दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक उर्दू चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप तक पहुंच सके हमारी नई वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं Xiaomi Redmi 5 की। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है ये ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जहां जहां मी स्टोर काम कर रहे हैं ऑफिशियली तौर पर उन ममालिक के अंदर ये मोबाइल फोन लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसकी एक्चुअल रिलीज डेट की बात करता हूँ तो ये मोबाइल फोन दिसंबर 2017 के अंदर ही लॉन्च हो चुके थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाइनीज मार्केट के अंदर यानी सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर ही अवेलेबल थे। तो अब Xiaomi इस मोबाइल फोन को पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च करने जा रहा है, ग्लोबली लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों इस मोबाइल फोन के साथ दो और नए मोबाइल फोन भी मार्केट के अंदर लॉन्च किए गए थे जिसका नाम था Xiaomi Redmi 5 प्लस और Xiaomi Redmi 5A। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों बहुत ही बजट फ्रेंडली मोबाइल फोन थे, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 12,000 से 15,000 रुपए की या फिर आप लोग कह सकते हैं 12,000 से 20,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर ये मोबाइल फोन आप लोगों को अवेलेबल थे। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं Xiaomi Redmi 5 की। तो दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये मोबाइल फोन जल्दी आप लोगों को मिलने जा रहा है और इसकी अगर मैं एक्चुअल रिलीज डेट की बात करता हूँ पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होने की, तो ये फरवरी तकरीबन 18 से 20 तारीख के अंदर अंदर ये मोबाइल फोन पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी मी स्टोर ऑफिशियल तौर पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन और प्राइस डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस मोबाइल फोन की डिज़ाइन की। डिज़ाइन के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे मिलने जा रहा है व्हाइट कलर के अंदर इसका जो फ्रंट पैनल है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को 5.7 इंच का डिस्प्ले यहाँ पे अवेलेबल होगा और अगर मैं एस्पेक्ट रेशो की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 18:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ ये मोबाइल फोन अवेलेबल होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की, जो कि आप लोगों को मिलने जा रहा है Snapdragon 630। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा प्रोसेसर इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल होने जा रहा है जिससे क्या होगा कि आप लोग गेमिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसके अलावा ये मोबाइल फोन आप लोगों को मल्टीटास्किंग के अंदर बहुत ही काम देगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की दूसरी स्पेसिफिकेशन के बारे में, जैसा कि स्टोरेज और रैम। रैम के अंदर आप लोगों को ये मोबाइल फोन दो वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल होने जा रहा है, 2GB और 3GB। 2GB के साथ अगर मैं बात करता हूँ स्टोरेज तो वहाँ पे आप लोगों को 16GB इंटरनल स्टोरेज दस्तियाब होगी और अगर मैं बात करता हूँ 3GB की तो यहाँ पे 32GB इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी अच्छी स्पेक के साथ ये मोबाइल फोन आप लोगों को अवेलेबल होगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के कैमराज की। तो कैमरा के अंदर आप लोगों को जो रेयर कैमरा है वो मिलने जा रहा है 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और अगर मैं बात करता हूँ इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आप लोगों को मिलने जा रहा है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होने जा रहे हैं, ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इस मोबाइल फोन की कैमरा क्वालिटी की तो वो भी बहुत खास है इस मोबाइल फोन के अंदर। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की बैटरी की, जो कि आप लोगों को मिलने जा रही है 3300 mAh की बैटरी यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल होगी। और अगर मैं बात करता हूँ इस मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पे आप लोगों को एंड्रॉयड 9 ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं एंड्रॉयड ओरियो पे। तो दोस्तों इस तरह से काफी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पे दस्तियाब होगा। और उसके साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की प्राइस की। प्राइस के अंदर आप लोगों को ये मोबाइल फोन मिलने जा रहा है तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 16,000 रुपए का 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और अगर मैं बात करता हूँ इस मोबाइल फोन के दूसरे वेरिएंट की यानी 3GB और 32GB वाले वेरिएंट्स की तो वो मोबाइल फोन आप लोगों को तकरीबन 18,000 रुपए के अंदर अवेलेबल होगा। दोस्तों ये मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस कंफर्म नहीं की गई, जब ये लॉन्च होगा तो उस वक्त इसकी एक्चुअल में प्राइस जो होगी वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो बना के आप लोगों को सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।